में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान रोड पर आने वालों के लिए सख्ती कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बेवजह रोड पर घूमने वाले लोगों के चालान किए हैं। एएसआई संतलाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया के मार्गदर्शन में 150 गाड़ियों के चालान किए गए और कुछ लोगों के वाहन इम्पाउंड भी किए गए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है कि मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अस्पतालों की पुरानी पर्चियां लेकर घरों से बाहर आ रहे हैं और पुलिस को झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोड पर जरूरतमंद लोगों को निकलने दिया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। चालान को लेकर हमारा जो अभियान है, एसपी अधीक्षक महोदय हिसार श्री गंगाराम जी पुनिया आईपीएस हिसार की तरफ से पूरे आदेश अनुसार जो बेवजह घूम रहे हैं, बगैर मास्क को उनको समझा रहे हैं, जो बगैर वजह घूम रहे हैं उनका चालान किया जाता है और लॉकडाउन का सख्ती से उनके आदर्श अनुसार पालना करवाई जा रही है। अभी तक ये अभियान जब से चलाया है अधीक्षक महोदय साहब ने, तो उसके अनुसार मैंने कम से कम 150 चालान किए हैं और कुछ गाड़ियां इंपाउंड भी की है। इसमें कुछ तो अपनी मजबूरियां जाहिर कर देते हैं, तकरीबन है ये जो झूठिया पर्चियां दवाइयों की लेकर चलते हैं, बहुत पुरानी पर्चियां निकाल कर वो दिखाते हैं और इसकी उल्लंघना करते हैं, उनका चालान करते हैं। सही जो उसका जवाब नहीं दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, क्या करवाना हमारे को। पुलिस के माध्यम से हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये लॉकडाउन रहे, ये बीमारी रहे, अपने घर में रहे, बेवजह बाहर मत घूमें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। हमने कुछ तो बांटे भी है सैनिटाइजर और ये मास्क है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।